एंड आते आते कोने साहब सलाम वाले कुंबला कहते ये कहां करे भोने बोल के समझ गया। लीडर का ऐसा रहता मस्का मारने का। फिर आते ही बोला कहते भोने साहब जय तेलंगाना बोला कहते। बेचारा रिक्शा वाला बोला जय तेलंगाना। फिर अल्लू एक शीशा निकाला वो लेबल अमेरिका है अंदर तो दूरी पेट का है। फिर बता दिया जय तेलंगाना। ये बेचारा बोला कि उसका पत्नी को जोर को बुलाया चलो तू थोड़ा ले मैं थोड़ा ले दोनों थोड़ा थोड़ा पी लिए है तागिन इधर कलसी तागिंद गुर्तुंदी ऊगिंदी गुर्तुंदी झूला हुआ है। फिर बाद में बोला चलो बोला लेकिन वो बहुत बहन बहुत हुशियार थी ये तो चोर अभी आया है शीशा दिया है इलेक्शन का सीजन है मैं नहीं आता बोला तू नया है तो परवा नहीं बोला इन्हें अच्छा बोला है तागिंदी गुर्तुंदी पीएसओ याद है इधर कलसी ऊगिंदी गुर्तुंदी दोनों बोल कैसा हुआ कहते गुर्तुंदी उसको उठा लेके गए कहते लेकिन याने कुत्तिना गाने कुत्तु ले काल पेर वोटू वो दिया है वो धोखा दिया है दूसरा रंडो काल पेर न्याय हमारे वकील साहब जुडिशियरी कोर्ट वहां पर जाते अपन हाईकोर्ट अपना पुराना सिटी में इधर एक रहता साहब हाँ बताइए ये पूरे हमारी नवाब का पूरा जाल जागीरदार है जमीन है ओके हमारा नवाब बोला है बच्चे मैं जाते जाते तुम लोग इतना प्रॉपर्टी लगाया ओके अभी हम लेना चाहते हैं बोलता है क्या कागज है क्या काय का कागज साहब सुनिए वो झाड़ वो पत्थर वो मस्जिद वो मंदिर जब भी समझ में नहीं आया वो कब्रस्तान यही हमारा कागज है दे दो वो नहीं वो आंध्रा वाले कागज के ऊपर है बेटे चले जाओ बोलता है ऐसा हो रहा है। दूसरा फायर है दी थर्ड वन दी फोर्थ फायर लेक इज एडमिनिस्ट्रेशन वो दो लोग रहते हैं एक आईएएस एक आईपीएस। आईएएस के पास गए समझो हम कल गए थे हैदराबाद साहब हमारा किला का गोल्फ चले गया ओके साहब वो गोल गोल्फ खेल रहा लेकिन हमारे नहीं आने दे रहा ओके साहब अब कैसा करना आई विल लुक हो गया इसका। और दूसरा रहता बहुत बड़ा ऑफिसर हमारा सबरवाल के ऐसे डीसीपी इसी को दो ही चीज मालूम है एसपी को उससे बड़ा ऑफिसर आता ना आता ही कड़क हो जाता बस ऐसे रहता है। दूसरा अपन भी के समझो लेफ्ट लेग ए बोलता दैट इज थर्ड लेग और फोर्थ लेग इज दैट माफ कीजिए ये मीडिया है। आज यहाँ पर मुसलमान भाई लोग बहुत बड़ा जलसा किए हैं और बहुत लोग आए हैं इन्हें लिखता है वहां जाने के बाद बोलता है टेंट तो बहुत बड़ा डाले है लेकिन सिर्फ कुर्सियां बोल के वो लिखता है। फिर उसके बाद पेपर में आता है मीटिंग हुआ वैसा है लेकिन लोग नहीं आए हैं गद्दर कूद रहा था नीचे गिर गया था ऐसा दीदी एनगु काल कुर्सी यदमीरा दिखना परसी साथियों अब क्या करना है। दूसरी सवाल बोल रहा हूं मैं यहाँ के भाई लोग नाउ द सफरर राइज टू बिकम द लीडर। मैं बोला ना जंगल में है ट्राइबल गांव में है बेचारा उनको अनटचबल और दूसरा भाई लोग है गरीब लोग अमर मुसलमान आप लोग ये तेलंगाना मूवमेंट के अंदर मदद करना झेलना नारे देना नहीं लीडर बनना बोल के मैं आपको अरे दोस्त एक दिन पूरा अल्लाह को कर लेके टोपी लगा लेके लट लेके निकलो अभी समझते हैं कौन निकले है राजा लोग निकले हैं। अरे राजा निकले तो तेलंगाना ले लेते बोल के सोचते रहे बाबा मारो जिंदाबाद सो नाउ वी हैव टू टेक अप द लीडरशिप
the tribals and the untouchables and the Muslims of this country who are powerful in the election, in the vote, as well as the militants and the very poorest of the poor of this country. The most poorest people in this country, in Hyderabad, the Muslims. The most poorest people, just you go to on the road. अभी उनकी जो खेले का गाड़ी चले गया, उसका पंप मारने का चले गया, मैकेनिज्म इज गॉन, एवरीथिंग इज गॉन. उससे पहले जीते थे वो एक दिन का रोटी के लिए, डबल रोटी की खा के जीते थे. आई माई सेल्फ यूज टू स्टे इन द हॉस्टल इन भोजनजय मार्केट. मेरे हंड्रेड्स ऑफ मुस्लिम दोस्त है, जिन लोग बहुत गरीब से गरीब बने हैं. इन एम्प्लॉयमेंट, नो एम्प्लॉयमेंट फॉर देम. इन एजुकेशन, नो एजुकेशन फॉर देम. इन हेल्थ, नो हेल्थ फॉर देम. इन पॉलिटिकल पार्टी, यू शो मी अ सिंगल पर्सन इन इंडिया. अरे भारत के अंदर इतने 17-18 करोड़ ऑफ द मुस्लिम्स आर देयर हु आर डिसाइडिंग द इंडियन रूलिंग पार्टी. यू शो मी सिंगल पर्सन. मुझे एक बार भारत के अंदर एक ऐसा एक मुसलमान को उठा के, ये हमारा लीडर है, हमारे लिए पार्लियामेंट के अंदर आवाज देता है, दे कॉन्शियसली डाउन यू, दे कॉन्शियसली आपको हड्डी तोड़ दिए है, आपको नहीं उठने दिए है. दिस इज अ पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी. आपको मिलिट्री के अंदर ऑफिशियल्स नहीं है, पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर आईएएस आईपीएस नहीं है. इन द एडमिनिस्ट्रेशन यू डोंट हैव एनी प्लेस. अपन बच्चा छोटा होते ही he is on the road to get the food. That is the fate of this country. वो बच्चा आपने इतना बड़ा होते ही बच्चे को वो रोड पे अपन अपना रोटी के लिए जाता है. यू गो टू द ओल्ड सिटी. आप एक बार ओल्ड सिटी में जाके देखिए, ये सरकार काम को नहीं है क्या? एंड लेट देम गो टू द ओल्ड सिटी एंड गो टू द विलेजेस. हर एक जगह जाके देखिए, आंसू मिलता है बच्चों के पास. सिर्फ वो लोग इसलिए जी रहे हैं, दे बिलीव इन द अल्लाह मोस्ट. वो बोलते हैं जब कुदरती दिया है चलने दो, उसलिए जिंदा है वो, नहीं तो वो लोग कुट कुट के मरते थे. दैट इज द पिटी ऑफ दिस. नाउ फाइनलाइज से तेलंगाना है तो हमको क्या आता है? मैं पूछना चाहता हूँ, व्हाट आर यू गोइंग टू गेट? दोस्त, तेलंगाना ऐसा है गांव, इदी मादी गोल्लावाड़ा, जो भी गरीब लोग है सब जने फॉर द सेक ऑफ सेल्फ रेस्पेक्ट दे जॉइन इनटू द मुस्लिम कम्युनिटी. 17-18 करोड़ से नीचे है. तेलंगाना आते ही क्या ऐसा हो जाता है क्या? तेलंगाना आते ही कि आपके जो भी है नियरली 2.75 लाख ऑफ एकर्स आर दे गोइंग टू हैंड ओवर टू द मुस्लिम्स? तेलंगाना आने से क्या आने वाला है? डेफिनेटली तेलंगाना आने से आता है जब आप ये मूवमेंट के अंदर लीडर बनता है, अपना हिस्सा लेते हैं. क्या कहता है इपड़ू मादी को हो इन क्लब उठी कहा लगे मुझे बुले चमार बोलता है भाई साहब तेलंगाना आते ही मेरा बाटा कंपनी लेके गया मेरा चप्पल देते क्या? साकल ओ निंत बुद्धि चाकिले मुंडलेदु धोबी बोल रहा है मेरा वाशिंग मशीन आके मेरा लेके आया धोबी का देता है क्या? बोल रहा मंडल ओ निंत बुद्धि पुरुषुलेदु सबुलेदु मंगल का क्या बोलते थे? हाँ अजाम बोल रहा है, अजाम बोल रहा है. क्या था मुझे रिलायंस कंपनी वाले, फ्रूट बिजनेस लगाता है, वेजिटेबल बिजनेस लगाता है, हजाम बिजनेस भी लगाया, सैलून हैदराबाद में 50 लाख लगा के एक सैलून लगाया. गद्दर को टेलीफोन करा, अरे गद्दर मेरा सैलून कहा जाओ? मेरा हजाम बोल रहा, अरे कहा जा रहा? अरे अरे वहां मैं जाने का कोई जरूरत नहीं रिलायंस में. माय नेम इज गद्दर, कंप्यूटर में मानना है. मेरा दाढ़ी इतना हुआ है,
मेरे मुझे अंदर आ रहा है, ऐसा बोला ही नहीं, वहां बटन दबाया नीचे गिर गया। बापन ओ नींद बुट्टी चुड़ी ले दू गंट ले दू बापन ముస్లిం లా ఇంట్ల బుట్టి మక్క లేదు మసీద్ లేదు దెన్ వాట్ ఫర్ తెలంగాణ ఐ డోంట్ అండర్స్టాండ్ దెన్ వాట్ ఆర్ ఫర్ హూమ్ టు యు ఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ తెలంగాణ జబ్ ఐసా రహతా హై జబ్ పూరి యహాన్ కి జమీన్ పూరా హమారా నహీ హోతా హై ఎడ్యుకేషన్ నహీ హోతా హై హెల్త్ నహీ నహీ హోతా హై ద మెజారిటీ పీపుల్ హూ ఆర్ గివింగ్ ద ఓట్ అగర్ తెలంగాణ ఆయే తో హమారే కో క్యా ఆతా హై బల్కి లోగ్ పూచ్తే హై जिन लोग ने रोड पे आए हैं, जिन लोग ने रमजान टाइम के दसरा के दीपावली के टाइम के अंदर ने एक रमजान महीना बिजनेस करने से मेरे दोस्त सिर्फ केलों का फ्रूट का बिजनेस करने वाले मेरी क्लासमेट एक रमजान महीने के अंदर करे तो 6 महीने खाना खाते थे बिकॉज ऑफ तेलंगाना मूवमेंट के लिए वो 4 महीने का खाना छोड़ दिए। 30 सैक्रिफाइस वो सैक्रिफाइस बोले तो वो है, वो बोला चलो भाई कैसा तो भी जियेंगे तेलंगाना आना है। तो मैं बोलने का क्या मेरे भाई बहनों से, हम तेलंगाना प्रजा फ्रंट सीधा बोल रहे, हम एक झंडा बना है, अगर तेलंगाना आने से इमीडिएटली हमारा उर्दू सेकंड लैंग्वेज बनेगा। भाई बिकॉज इफ यू डोंट इफ यू अनलेस यू हैव योर मदर लैंग्वेज अनलेस यू गेट द इंग्लिश Unless you have become the, how you will become the, आप कैसे लीडर बनते हैं, आप कैसे एक ऑफिसर बनते हैं। और दूसरी बात ले लगाया हमारा डिमांड, हम जितने हैं उतना सब मिलना है, इकोनॉमिकल रिजर्वेशन मिलना है, पॉलिटिकल मिलना है, सब कुछ मिलना है। मारो दूसरा डिमांड, आबादी किसे हम कितने हैं, कितना परसेंट हम आबादी, सब मिलना है। और फाइनली हमारे जितने लोग टेररिस्ट के नाम पे जेल के अंदर है, सब्जे ने वो तो पूरा गुनाह है, वो देश के है, यहाँ पर पैदा हुआ है, दे आर सन्स ऑफ दिस कंट्री, दे लिव्ड फॉर इट, अननेसेसरी पुट इन टू द जेल, वहां जाके सलाम करके सब कुछ उड़ा देता हूँ। तेलंगाना आते ही केस नहीं, किसने लायर नहीं, ये नहीं, अपन सब्जे ने जाके चंचल गुड़ा कोर के सलाम वाले को आ जा रहे बच्चे बोल के लाल एंड नो पुलिस फोर्स इन द वर्ल्ड सिटी इन मस्जिद एंड समवेयर एल्स, कहां पर भी आपकी पुलिस हो कोई भी हो, हमारे मस्जिद के पास, हमारे जो कुरान के पास, किसी कैल में हम नहीं रहने देंगे। आवर मस्जिद एंड आवर कुरान और होली प्लेसेस मस्ट बी लिबरेटेड, आप क्यों गार्ड करते हैं, हमारा खुदा करेगा, दैट इज माय डिमांड। सो साथियों, द तेलंगाना मूवमेंट इट इज इंटर रिलेटेड, इट सेक्युलर, पूरा बोलना है अपन, ये सेक्युलर मूवमेंट है नहीं, अगर सेक्युलर मूवमेंट होना, डेमोक्रेटिक होना, सोशलिस्ट होना, फेडरल होना, तो मैं आपसे ये मंच से मैं आपसे विनती करता हूँ, मैं आपसे साथ साथ चलता हूँ। आपको मालूम है मेरी साहब बहुत से सारा जिंदगी तमाम बहुत कुछ गीत लिखा हूँ एंड माय वेरी फेमस सॉन्ग ना देश में दजो अल्लाह अकबर ना भाषा दजो अल्लाह अकबर ए खुदा मुझे बताओ मैं कहां पर जन्म लेना है, कहां पर फायदा लेना है, किस कंट्री के अंदर मैं जन्म लेना है, वो मेरे हाथ में नहीं है, दैट इज नॉट इन माई हैंड। चाहे मैं अमेरिका के अंदर जन्म लेना है, मक्का के अंदर लेना है, हैदराबाद में लेना है, नहीं तो दिल्ली में जन्म लेना, मेरे हाथ में नहीं। एक खुदा आप मुझे जन्म दिया है, यू हैव गिवन मी लाइफ, लेकिन मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ इंडिया के अंदर, ना देश में है दयो अल्लाह अकबर विच इज माय कंट्री, ना भाषा है दयो अल्लाह अकबर नमाज जय होते मस्जिद ले दंड्रु, नमाज जय होते मस्जिद ले दंड्रु, पाकिस्तान तो वजूफी
कब्रस्तान वंपिनारु ना देश में दयो अल्लाह This is my very famous song. I have written in Telugu. I have written hundreds of songs about the Muslims. I went to Gujarat and I went in every place of this country. My last ye bahut famous geet hai. Ye mere 18 crores of Muslims pooch rahe hai, "Hey Allah bata do, meri desh kaun sa hai? Meri language kaun sa hai? Meri masjid kahan hai? Main kahan par prayer karun? Meri kabristan kahan hai? मेरी जगह कहाँ है? मुझे क्यों ये लोग सेकंड सिटीजन देखते हैं? मुझे क्यों टेररिस्ट बोलते हैं? क्या मैं दाढ़ी बनाना गुनाह है? तो भी पहनना गुनाह है? वेयर इज द सेक्युलर कंट्री इन दिस कंट्री? सो इसलिए मेरे साथी लोग, हमसे आपसे मैं विनती है, आप महावीर है, मिलिटेंट है, तलवार लेके निकलने वाले हैं और दिलदार है और बहुत से इज्जत वाले हैं और खुदा को मानने वाले हैं, आपके वैसे लोग ये मूवमेंट के अंदर लीडर बनना है, मेरा रिक्वेस्ट है। डोंट गिव द लीडरशिप द पॉलिटिकल लीडर्स हु डिसीव्ड अस, डोंट बिलीव देम। क्या किए अपने लिए? मैं बोला ना, बताया ना।